सुप्रभात बच्चों, भक्तिन पाठ में कल आपको बताया गया था कि भक्तिन का पति कम उम्र में ही स्वर्गवासी हो जाता है और उसने अपने जीते जी केवल एक कन्या की शादी की थी, बड़ी वाली की, और उसके बाद में जो शेष दो कन्याएं थी उनका बोझ वो अपनी पत्नी पर छोड़कर इस संसार से विदा लेता है। ये भी बताया गया था आपको कि भक्तिन के अच्छे खासे खेत और जानवरों को देख करके उसके जो जेठ और जेठ के बच्चे थे उनके मन में लालच आ गया था कि किसी भी तरीके से हमें इससे ये पूरी प्रॉपर्टी हथियानी है। और ये केवल तब संभव था जब भक्तिन कोई दूसरा घर कर लेती। दूसरा घर करने का मतलब क्या हो गया कि कहीं और विवाह कर लेती। लेकिन भक्तिन जो थी वो पहले से ही बड़ी चौकन्नी थी, इसलिए उनके बहकावे में नहीं आई और उसने ये ऐलान कर दिया। भोजपुरी की भाषा में वाक्य आया है, हम कुकरी बिलाए न होए, हमार मन पोसाई तो हम दूसरा का जाब नाई, तो तुम्हार पचे की छाती पर होर हाँ भूजब और राज करब, समझे रहो। कहना क्या चाहती है वो कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हम कोई कुत्ता बिल्ली थोड़े हैं, तुम हमें यहाँ घर से निकाल दोगे, हम यहीं रहेंगे, दूसरे घर नहीं जाएंगे, तुम लोगों की छाती पर ही हम क्या बोलते हैं उसको होरहा भूलेंगे, और होरहा भूलना मतलब दाल दलना वही मुहावरा है, और राज करेंगे अपनी संपत्ति के ऊपर। तो उसके बाद ये पैराग्राफ शुरू होता है आज से आपका। उसने ससुर अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। उसने ऐलान कर दिया कि ये मेरे ससुर और ससुर के पिताजी और जाने कितनी पीढ़ियों का उदाहरण दे करके कहा कि तुम्हारी खरीदी हुई प्रॉपर्टी थोड़े ये छोड़ दूंगी, ये तो मेरे ससुर की है, ससुर के पापा की है, उसके भी पापा की है, और तुम कह रहे हो प्रॉपर्टी छोड़ दूँ, एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगी तुम्हें मैं। इसके अतिरिक्त उसने क्या किया, एक और ड्रामा रच दिया, गुरु से कान फूंकवा दिए, गले में कंठी माला बांध ली और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। सिर पे जो बाल थे वो उसने मुंडवा लिए, गले में कंठी माला पहन ली और गुरु के नाम से अपने कान भी बिंधवा लिए, उनमें जो बड़े कुंडल होते हैं ऋषि महात्माओं जैसे वो पहनने लगी, और बाल कटवा दिए किसके नाम पर, पति के नाम पर, कि जब पति ही नहीं है इनको देखने वाला तो इन बालों का, इन केशों का मैं क्या करूँगी। घी से चिकने केश एडजेक्टिव दिया है बालों के लिए। और उसने छोटी लड़कियों के हाथ पी लेकर उन्हें ससुराल पहुंचाया, दोनों जो छोटी कन्याएं थी उनका विवाह कर दिया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। अब पति क्योंकि एक कन्या की शादी करके चला गया था तो बड़ा था वो, उसका वो घर जमाई उसने बना लिया दामाद को, और इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरम्भ हुआ। तो तीसरा परिच्छेद में क्या होता है, जब वो अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पे रखती है तो खेतीबाड़ी थोड़ा ठीक हो जाती है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था, लेकिन जैसी जिद्दी भक्तिन थी वैसा ही दुर्भाग्य उसका जिद्दी था। इसी से, और ये दुर्भाग्य का ही परिणाम था, किशोरी से युवती होते बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। बड़ी लड़की जिसको जिसके पति को उसने घर जमाई बना के रखा था वो लड़की भी क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है, यानी उसके दामाद का भी देहांत भक्तिन के दामाद का हो जाता है। भैया उसे पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की किरण देख पाई, और जैसे ही भक्तिन के दामाद का देहांत होता है अब जेठ और जेठ के बच्चों को लगने लगा कि भाई अब उम्मीद है, आशा की किरण है, अब तो हम इसकी प्रॉपर्टी हथिया ही लेंगे। विधवा बहिन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत, अब देखो उन्होंने क्या एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या था कि अब बहन तो विधवा हो गई थी, भक्तिन की जो बड़ी कन्या थी वो विधवा हो गई थी, अब उसकी शादी दोबारा कराने के लिए जो बड़े वाला जेठ का लड़का था वो अपने तीतर लड़ाने वाले, ये भी एक यहाँ पे क्या है मुहावरे की भाषा है, तीतर लड़ाने वाले मतलब दिन भर निठल्ला, तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया कि अब ये विधवा हो गई है बहन, तो मैं इसका विवाह अपने साले से कर दूंगा। अब साला क्या था बताया गया आपको, तीतर लड़ाने वाला मतलब पूरी तरह से निठल्ला काम चोर। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, तो चूँकि जैसे माहौल में हम रहते हैं तो हमें अच्छे और बुरे का अपने पता लग जाता है, और ये पता लग जाता है कितने आदमी हमारा वास्तव में दिल से हित चाहते हैं।
तो जो भक्तिन की बेटी थी वो भी कम समझदार नहीं थी, वो अपने इन चचेरे भाइयों की जो चाल थी उसको समझ गई कि ये क्यों इसके साथ मेरा गठबंधन चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। तो उसने एक साफ मना कर दिया कि मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। अब उसने मना तो कर दिया तो भाइयों को लगा कि बाहर का अगर कोई और बहनोई आएगा तो वो भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः विवाह का के कहीं और विवाह कर देंगे। वो बात जो उनके मन में थी, प्रस्ताव जो था, उस प्रस्ताव को वो लड़के खारिज कर देते हैं, उसके चचेरे भाई, कि चलो ठीक है नहीं चाहते आप विवाह करना तो कोई बात नहीं, यानी मामला वहीं का वहीं दब गया। अब तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर, क्योंकि अब दामाद तो नहीं था इसलिए दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर खेत में परिश्रम करती थी, मेहनत करती थी और अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। और घर के जो सारे सदस्य थे, चाचा, ताऊ, ताऊ ही थे उसके, तो ताऊ और ताऊ के लड़के जो थे वो सारे के सारे बस इसी चक्कर में रहते थे, किसी ना किसी तरीके से इसको जबरदस्ती से लड़के की शादी तो लड़की की शादी तो उसके साथ ही करानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो षड्यंत्र क्योंकि था ये, तो अब देखो क्या एक थोड़ा सा इसमें प्रसंग आता है। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। अब माँ भक्तिन घर पे नहीं थी, लड़की अकेली थी, तो प्री प्लान था सारा षड्यंत्र। तो लड़कों ने, जेठ के लड़कों ने यानी लड़की के चचेरे भाइयों ने क्या किया, उसको बुला लिया जिसके साथ वो विवाह उसका करवाना चाहते थे, और घर में घुसा दिया भक्तिन की अनुपस्थिति में। और जब वो अंदर गया तो उस लड़के ने क्या कर लिया, अंदर से द्वार बंद कर लिया। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे और षड्यंत्र के हिसाब से जो दूसरे ताऊ और ताऊ के लड़के थे वो गांव वालों को बुला के लेके आए कि चलो देखो क्या हो रहा है। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, अब लड़की कहाँ वो मानने वाली थी, पर लड़की ने क्या किया, अंदर ही खूब कोटा पीटा उसको, जबरदस्ती का पति गले पड़ रहा था ना, उसको खूब पीटा अंदर ही। तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए, जब कुंडी खोल करके वो उसको पीठ के बाहर लेके आती है, मुंह सूजा हुआ है, आंखें सूजी हुई है। अब पंच सरपंच जो गांव के न्याय करने वाले आए थे वो बेचारे समस्या में पड़ गए कि अब क्या करें, अब तो रास्ता ही कुछ नहीं है। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। लड़का कहता रहा कि इसने तो बुलाया था मुझे, और युवती उसके मुख पर अपनी पांचों उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। लड़की कह रही थी देख तो लो उसका गाल, मैंने पीट रखा, अगर मैं इसको बुलाती तो मैं इसका ये हाल करती क्या। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। लोग कहने लगे कि ये कलयुग है भाई, लड़की ने ही बुलाया होगा। अपीलहीन फैसला भी यही होता है ना, बाद में जबरदस्ती होती है। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उनमें से एक सच्चा हो या दोनों झूठे हों, पर जब वे कोठरी से निकले हैं तब तो उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। भाई इस कलयुग का दोष को अगर धोना है तो उसका एक ही तरीका है कि इन दोनों का विवाह कर दो, चाहे इनमें से एक सच्चा हो या दोनों झूठे हों, विवाह कर दो। अपमानित बालिका ओट काट कर लहू निकाल लिया। उस लड़की ने, वो अपमानित हो गई, देखो खामखा गले भी पड़ गया और बेइज्जती भी हो गई, तो उसने अपने दांत से ही अपना होंठ काट लिया और खून निकलने लगा। और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। माँ की आंखों में गुस्सा था, आग्नेय का मतलब जिनमें अग्नि दहक रही थी, और गले पड़े दामाद की ओर देखने लगी। अब समाज था तो समाज ने थोप दिया उनके ऊपर, वो सब कुछ सुखकर नहीं हुआ। अब इस विवाह के उपरांत उनका जो हालत थी वो और भी ज़्यादा खराब होती चली गई। सब कुछ सुखकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था। अब तो बेफिक्र हो गया वो दामाद, पहले तो निठल्ला था ही, अब और पूरी तरह से निठल्ला हो गया, शादी भी हो गई अब तो। और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी, गुस्सा आता रहता, देखती थी सारा दिन पड़ा है खाम खा खा रहा पी रहा है यहाँ फिर का। तो इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष से ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की कौन कहे। जब कुछ नहीं हुआ खेतों में तो फिर क्या हुआ, लगान जो जमींदार के यहाँ पहुँचाया जाता है टैक्स के रूप में, वो देना भी मुश्किल हो गया, इतनी फसल नहीं हुई। तो जमींदार ने क्या किया, वो थोड़ा सा होते हैं ना जमींदार, अक्खड़ स्वभाव के होते हैं। लगान न पहुँचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा, सजा सुनाई उसको कि सारा दिन भक्तिन धूप में खड़े रहेगी, तूने मेरा टैक्स नहीं अदा किया है। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। जब इज्जतदार आदमी होता ना तो इज्जतदार आदमी को इतनी शर्म महसूस होती है इस तरह के अपमान से कि वो उसको कलंक के रूप में देखती थी।
और दूसरे दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। इस प्रकार भक्तिन जो थी गांव छोड़ करके शहर की तरफ गई, और शहर में आपको पता ही हो कहाँ जाती है, इलाहाबाद प्रयागराज जाती है और पहुंचती है किसके पास, मैडम के पास। तो ये पेज मैं पूरा कर देता हूँ थोड़ा सा। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ उसकी इति अभी दूर है। तो अथ को मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस देकर इसलिए बोला कि यहाँ अथ का मतलब आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, वो होता है आरंभ, और इसके साथ ही जो विलोम शब्द दिया है वो है इति, इति का मतलब समाप्त। तो इस तरह से भक्तिन घर से गांव से निकल करके इलाहाबाद जाती है, मैडम के पास में जाती है, और घुटी हुई चांद सिर पे बाल नहीं थे, मोटी मैली धोती साड़ी पहनी हुई थी, और सब प्रकार की आहट सुनने के लिए उसने कानों को अपने कपड़ों से बाहर, कान थोड़े से बाहर निकाले हुए थे, और मैडम के यहाँ आती है, उनके सेवक धर्म में दीक्षित हो जाती है। तो इस तरह से उसके जीवन का जो चौथा अध्याय था वो आरंभ होता है। तो इस तरह से तीन अध्याय पूरे हो गए, चौथा आरंभ हो गया। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओंठ को सिकोड़, देखो थोड़ा सा रेखाचित्र वाली बात होगी, किस तरह से वो बात करती थी, ऊपर के ओंठ को सिकोड़ के बात करती थी, और नीचे के अधर को थोड़ा नीचे बढ़ा करके आश्वासन की मुद्रा में उसने कहा, अरे खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, ई कौन बड़ी बात आए, खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लीत है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा, यही तो काम होते हैं, रोटी बनाना, दाल रांधना, साग भाजी छौंकना, ये सारे काम तो मैं कर ही लेती हूँ, बाकी काम क्या बाकी रहा। और उसको वहाँ पे मिल गई नौकरी। दूसरे दिन तड़के सिर पर कई लोटे ओंधा कर उसने मेरी धुली हुई धोती जल के छींटों से पवित्र करके पहनी। बड़ी आप समझ गए किस टाइप की थी वो भक्तिन, तो पानी से सिर धोया और धुली हुई धोती थी मैडम की, उस पर भी उसने जल के छींटे मारे, बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध होकर के वो कहाँ जाती है, पूर्व अंधकार, पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का दो लोटे जल से अभिनंदन करती है, सूर्य को जल अभिषेक करती है, और उसके बाद दो मिनट नाक दबाकर अनुलोम विलोम करती है, और उसके बाद फिर वो कहाँ चली जाती है, रसोई में चली जाती है। तो शेष भाग बच्चों आगे कल बताया जाएगा, पेज नंबर 74 तक ही मान के चलो आपको आज पढ़ाया है, ठीक है, धन्यवाद।